बॉल में हो, बॉक्सिंग में हो, साइकिलिंग में हो, गाने में हो, ड्रामे में हो, लियारी के बच्चों ने पूरी कराची के मेरे यूथ फेस्टिवल में लियारी की लड़कियों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, बलोचों ने, और 50,000 लोगों में, और उसमें से बाद में कुछ पॉलिटिक्स में चली गई बच्चियां, कुछ ने अपनी अपनी एनजीओ बना ली, बहुत सारे लोगों ने। और उस वक्त भी जब मेरे कत्ल का यहाँ फतवा जारी होता था तो उस वक्त बात यही थी कि वो कहते थे कि एक जबान या एक कल्चर की तरवीज हो, और वो जबान बहुत मोहतरम है, लेकिन वो जबान भी इम्पोर्ट होके आई कोई 1,000-1,500 साल में, ठीक है। और जो यहाँ के बासी हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे बहुत सारे, वो एलियन हैं, एबोरिजिनीज हैं, रेड इंडियंस हैं, इन सबको निकाल दो। तो मैं कहता था अगर ये पाकिस्तान है, और फर्ज करें हम पाकिस्तान के अंदर रहते, हमारा ये बलोची, फिर ये सिंध है, सिंध है ये हमारा, तो बलोची शकील बलोच बैठा हुआ है, हाँ शकील हो ना, हाई कोर्ट का सबका जज, लेकिन मेरा 40 साल पुराना दोस्त, हाँ इसके साथ आस पास तुर्बत में बस्ती में हमने रातें गुजारी, दश्त में जब कोई सड़कें नहीं थी तो हम लोग कच्चे से ट्रैक से, फिर आगे कोई नाला आ जाता था, फिर 3 घंटे कहीं और से गुजर के जाते थे। अभी कराची लिटरेचर फेस्टिवल में हर साल उर्दू की एक किताब को अवार्ड मिलता है, तो मैंने वहाँ ऐलान किया है, अभी अभी फरवरी में हुआ है, सबसे बड़ा इज्तम होता है लोगों का। मैंने कहा कि बलोच जिनका ये शहर है, अगले साल से आर्ट्स काउंसिल बलोची की बेस्ट किताब को ये अवार्ड, और ये इसको पता है बलोच मेंबर नहीं थे यहाँ पर, 10 सिंधी सरायकी मेंबर नहीं थे, सारे दरवाजे खोले और सबको शायर अदीब है, गाना गाता है, पेंट करता है, कोई आजाद की शायरी करता है, सारे इसके मेंबर है। इससे पूछो, बताओ नया मेंबर इस समय, और इसको मैंने कोऑर्डिनेटर बनाया कि तू आलीशान आदमी, मैंने कहा तू बलोचिस्तान को कनेक्ट कर इस इदारे से, आज ये आलीशान ये आर्ट्स काउंसिल की इज्जत और वकार जिसको 12-15 साल से बदनुमा दाग हटाता रहा, एथनिक डिवाइड के, रिलीजियस डिवाइड के, काले का, गोरे का, वजीर का, मजदूर का, गरीब का, यहाँ पे वजीर से ज्यादा इज्जत बाबा नजमी की होती है जो पॉलिश करता है गाड़ियों पे प्लाजा में, और शायद उसकी वजह यह है कि इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन जो लोग हैं असली यहाँ के, ये जगह उनके लिए बनाई है, और ये एक जगह पनाह की सबके क्याम के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस मेरे यार ने, और इसने उर्दू में, और आर्ट्स का नौजवानों का टाइटल सॉन्ग इसने बनाया, अभी जो एक गाना बनाया है जो कल बजेगा इसमें, ये जो हो रहा है ये हमारा जो PSL हो रहा है वो, मैं इसकी सारी खुशियाँ, मुझे लाइटें अच्छी लगती, लोग अच्छे लोग, और मुझे इतने सारे लोग अच्छे लगते हैं, टूटी चप्पल वाले हों, फटे कपड़ों वाले हों, काले हों, जब सारे लोग मिलके जो खूबसूरती बनाते हैं कोई एक हमें काम नहीं बना सकता। तो उस PSL में जो कल गाना लॉन्च होगा, उधर फवाद खान भी गा रहा है, अली जफर भी गा रहा है, हमारे लियारी के बच्चों ने जो गाना बनाया मुस्तफा जार ने और साबिर ने, एक इस बैत का भांजा है, दूसरा भी यहाँ का बच्चा है, और जिन्होंने लिखा है वो गड़ाप चौकी का एक और लड़का है शायद, इन्होंने बनाया है, कल वो सारी दुनिया में पहुंचेगा। तो मकसद ये नहीं है कि लियारी जिसमें टैलेंट है, कौन सी जबान बोलता है, क्या करता है, इस तफरीक ने हमें गर्व कर दिया है, ठीक है, सबको मानना पड़ेगा, कौमियतों का हक मानना पड़ेगा, जबानों की अहमियत माननी पड़ेगी, उनको अपनी जबान में तालीम माननी पड़ेगी, उनके वसाइल पर उनका हक मानना पड़ेगा, आज कल परसों मानना पड़ेगा, हाँ क्योंकि नहीं मानेगा तो फिर कुछ और सिलसिला है। इसलिए कि एक मैं आपको उर्दू के, एक उर्दू स्पीकिंग उर्दू के बड़े शायर का मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ,
कि हर तंस किया जाए, हर एक दाना दिया जाए। बेहतर है कि अब हद अदब में न रहा जाए। तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। वो मैंने पहले इसको बता दिया था तो वो मैं भूल गया। वो ये है कि काजी साहब पूरे बलोचिस्तान की आवाज़, मैं तुम लोगों में, तुम्हारे दिलों में इनकी धड़कन देख रहा हूँ। तो आर्ट्स काउंसिल ने इससे पहले जोर से ताली बजा लो, चलो काजी साहब। तो इनकी शायरी में, ये शायरी नहीं है, ये कुछ और है। और ये वो है जो सीने का दर्द है, आग है, आग, और वो निकलती है और वो सीना बसीना ट्रांसफर होती है। तो आर्ट्स काउंसिल एक एजाजी मेंबरशिप देता है, जो बड़े लोग दुनिया के जो होते हैं, मलका तरन्नुम, नूरजहां, अब्दुल सत्तार, ईजी ईदी। आज मैं काजी मुबारक के लिए आर्ट्स काउंसिल की एजाजी मेंबरशिप का है। मैं शायरान वास्ते एक चाह पी भेजने के हाँ मैं जीवन कर Thank you.
मुबारक काजी साहब वतिया का आरते के आसमत अब्दुल्ला अजूर को था मीर मकसूद का लतिया रा पेश करते हैं। मुबारक की स्टेज तू बोले दी